अभी तक की थायराइड अवेयरनेस सीरीज से उम्मीद है आप लोग काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे। आज उसी श्रृंखला में हम लेकर आए हैं कि आप घर बैठे कैसे ये चेक कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि क्या आप थायराइड से संबंधित किसी समस्या से पीड़ित हैं। तो पहले शॉर्ट में ये जान लेते हैं कि आखिर ये थायराइड है क्या। आपने अक्सर सुना होगा कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, तो ये थायराइड क्या बला है, पहले थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी इंटरनल ग्लैंड्स हैं, उन्हीं में से एक छोटी सी ग्लैंड है जो कि बटरफ्लाई के शेप में होती है और हमारे थ्रोट में यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है। स्वस्थ व्यक्ति में ये दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो लोग थायराइड से प्रभावित होते हैं या जिनकी थायराइड ग्लैंड बीमार होती है, उनमें किसी में ये ग्रंथि आपने देखा होगा साइज से थोड़ी बड़ी हुई किसी के दिखाई देती है, लेकिन व्यक्ति विशेष के अनुसार ये लक्षण बदलते रहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति थायराइड से प्रभावित है उसके शरीर में अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं, वो भी हम आपको थोड़ी देर में बताने जा रहे हैं। इसके लिए आइए पहले जान लेते हैं कि थायराइड प्रभावित व्यक्ति में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। यदि आपकी थायराइड ग्लैंड कम सक्रिय है तो आपके शरीर में बेवजह थकान रहना, ठंड के लिए संवेदनशीलता होना, अक्सर कब्ज रहना, या आपकी स्किन अक्सर ड्राई दिखाई देगी, आपका बेवजह वज़न बढ़ रहा है यानी कम खा रहे हैं फिर भी वज़न बढ़ता जा रहा है, ठंड ज़्यादा लगना, थकान सुस्ती महसूस होना, पैरों में सूजन आ जाना, बाल गिरना। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स में देखने को मिलते हैं, यूट्रस से अनियमित ब्लीडिंग की कंप्लेंट्स मिलती हैं, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो सकता है, उसकी दिल की धड़कन थोड़ी धीमी हो जाती है, बढ़ी हुई थायराइड ग्लैंड भी कुछ लोगों में देखने को मिलती है, रूखी त्वचा और बेवजह वजन बढ़ना। यदि ये सब लक्षण या इनमें से कोई दो या तीन लक्षण आपके शरीर में हैं तो ये संभावना है कि आपकी थायराइड ग्लैंड कम काम कर रही है, यानी कि आप हाइपोथायरॉयडिज्म से पीड़ित हो सकते हैं। इसके विपरीत किसी व्यक्ति के शरीर में आपने देखा होगा कि उनके शरीर में वजन बेवजह कम होते जा रहा है, उनको भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है, गर्मी सहन नहीं होती, थकान लगना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, घबराहट होना, दिल की तेज़ धड़कन हो जाना, ये दिल की धड़कन असामान्य हो जाना, जैसे सामान्य बोलचाल में कुछ लोग कहते हैं कि हमें धकधकी सी महसूस होती है, नींद आने में तकलीफ होना या नींद बिल्कुल ना आना, महिलाओं में अनियमित पीरियड्स या बहुत कम मात्रा में ब्लीडिंग का होना, चिड़चिड़ापन रहना, आँखों में आपने देखा होगा कुछ लोगों की आँखें जरूरत से ज़्यादा बाहर की ओर उभरी हुई महसूस होती हैं, ऐसा भी हो सकता है, बेवजह वज़न घटता जाना, हाथों को सीधा वो लोग नहीं रख पाते, उनके हाथों में हल्की कपकपी सी रहती है, बालों का गिरना, मसल्स की वीकनेस होना। यदि इनमें से कोई भी दो या तीन लक्षण भी आपके अंदर हैं तो संभवतः आप हाइपरथायराइड से पीड़ित हो सकते हैं, यानी कि आपके थायराइड ग्लैंड स्वस्थ नहीं हैं। अभी जो मैंने आपको ये थायराइड ग्लैंड की विकृति के दो कैटेगरी के लक्षण बताए हैं, इन्हीं में से कोई भी दो या तीन लक्षण यदि आपके शरीर में हैं तो आप ये शक कर सकते हैं कि शायद मेरी थायराइड ग्लैंड कम एक्टिव हो गई है या ज़्यादा एक्टिव हो गई है। तो इस तरह आप घर बैठे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या मेरी थायराइड ग्लैंड स्वस्थ है या नहीं, और उसके बाद फिर आप डॉक्टर से विजिट करके फर्दर टेस्टिंग्स के थ्रू इस बात को कंफर्म कर सकते हैं। ऐसा ही एक केस कुछ दिनों पहले हमारे पास आया था, जिसमें वो विवाहित महिला थी और वो सिर्फ ये टेस्ट करने हमारे पास आई थी कि क्या वो प्रेग्नेंट है। हमने जानना चाहा कि वो ऐसा क्यों जानना चाह रही है, तो उसने तीन वजह बताई कि एक तो उसका पीरियड डिले हो गया था यानी कि डेट पर नहीं आया था, उसका वज़न थोड़ा सा बढ़ रहा था, भूख थोड़ी सी कम हो गई थी और उसके पैरों में हल्की सूजन थी, और उसे ऐसा ही पता था कि प्रेग्नेंट होने पर इसी टाइप के लक्षण मिलते हैं। तो लेकिन जब आगे हमने उसकी हिस्ट्री ली और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया उसका, तब हमें ये अनुमान हुआ, फिर फर्दर टेस्टिंग करी तब पता चला कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी और वास्तव में वो थायराइड ग्लैंड की कम सक्रियता यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म से पीड़ित थी, जिसकी वजह से उसके शरीर में ये लक्षण देखने को मिल रहे थे। क्योंकि हम लोग भी ये जानते हैं, और उस प्रेगनेंसी के लक्षण और
थायराइड ग्लैंड की विकृति के लक्षण दोनों लगभग सिमिलर देखने को मिल रहे हैं इस केस में, जबकि वास्तव में क्या है ये सही ज्ञान के आधार पर ही पता किया जा सकता है। अभी हमने जाना कि हम घर पे कैसे अनुमान कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि क्या हमारी थायराइड ग्लैंड स्वस्थ है या नहीं। तो चलिए इन शॉर्ट आपको थोड़ा सा थायराइड का इलाज कैसे कर सकते हैं घर बैठे वो भी बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने अभी समझा कि थायराइड ग्लैंड से प्रभावित व्यक्ति के जनरली उसे कब्ज की शिकायत हो जाती है, तो कब्ज से बचने के लिए या कब्ज में सुधार करने के लिए अपने दिनचर्या नियमित करके, वाटर का इंटेक ठीक करके और त्रिफला चूर्ण का सेवन यदि व्यक्ति नियमित रूप से करेगा तो उसको काफ़ी फायदे देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ त्रिफला चूर्ण वजन भी घटाता है, पेट भी साफ रखता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कंट्रोल में रखता है। यानी हाइपोथायरॉयडिज्म से पीड़ित व्यक्ति के लिए त्रिफला चूर्ण एक वरदान साबित हो सकता है अगर उसको सही तरीके से सही मात्रा में लिया जाए। इसी तरह से हाइपोथायरॉयडिज्म से पीड़ित लोग अक्सर बाल झड़ने की शिकायत करते हैं, उनके बाल बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरते हैं। उन लोगों को घरेलू इलाज के रूप में आंवले का सेवन अपने डाइट में बढ़ा देना चाहिए, आंवला रस के रूप में, आंवले के मुरब्बे के रूप में, आंवले की लोकल एप्लीकेशन के रूप में आंवले का प्रयोग बढ़ाएंगे तो बालों का झड़ना काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह से और भी थायराइड से प्रभावित व्यक्ति में जो और लक्षण या और बीमारियां देखने को मिलती हैं उससे संबंधित काफ़ी सारी जानकारी हम पहले के वीडियोस में भी अपलोड कर चुके हैं। आगे की थायराइड अवेयरनेस सीरीज में हम ऐसे ही आपको अपडेट करते रहेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी पुरानी की थायराइड से रिलेटेड वीडियोस का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में शेयर कर दिया है। ऐसे ही और हेल्थ से रिलेटेड फैक्ट्स और जानकारियों के लिए आप अपने फिट से जुड़े रहिए। धन्यवाद।